अच्छा बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि डीएमएल की एक कमांड होती है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब डीएमएल के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी हमारे पास एक समझ लें क्यूरी लिखने का एक कैटेगरी है, राइट? कि एसक्यूएल की हमारी चार तरह की क्यूरीज लिखने की कैटेगरीज हैं, उनमें से डीडीएल है, डीएमएल है, डीसीएल और टीसीएल। तो डीएमएल के अंदर हमारे पास एक नंबर ऑफ क्यूरीज की लिस्ट है, इंसर्ट कर सकते हो आप, डेटा अपडेट कर सकते हैं, सही है, सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम अभी जो करने जा रहे हैं कि डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं। तो अभी हमने एक टेबल बनाया था जिसमें हमारे 1 2 3 4 5 कॉलम। अब इसमें हमें अगर कोई डेटा इंसर्ट करना है तो जब बात आती है डेटा की तो वी कैन गो विथ डीएमएल कमांड्स। यानी हमें जब भी वैल्यूज इंसर्ट करनी होती हैं, अपडेट करनी होती है, डिलीट करनी होती है, हम डीएमएल के कमांड्स को यूज करते हैं। अच्छा, अब हमें अगर डेटा इंसर्ट करना है इसके अंदर तो हम इंसर्ट कमांड के थ्रू करेंगे। हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है बेटा, स्टूडेंट्स इन्फो। कि स्टूडेंट इन्फो की टेबल में मुझे क्या देना है, वैल्यूज देनी है, इंसर्ट करनी है ना। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स डिफाइन कर सकता हूं, यानी कौन से कॉलम में मुझे क्या वैल्यू देनी है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, आईडी है, दूसरा कौन सा है बेटा, नेम है, एज है, फीस है और उसके बाद सिटी है। आपने बताया कितने कॉलम है टोटल, 5। तो यहां पे लिखोगे वैल्यूज, वैल्यूज के बाद आपको जो जिस कॉलम की वैल्यू देनी है दे दो, सही है बेटा। अब आईडी जबकि हमारे पास इंटीजर टाइप का है तो आप नंबर्स विदाउट सिंगल कोट लिखोगे, सही है। अगर कोई कॉलम वर्चार का बनाया तो उसके अंदर वैल्यू सिंगल कोट में आप भेजेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर, लाइक अली स्टोन का नाम। इसी तरह हमारे पास एज है, एज में यहां पे कर देता हूं 20 और ये इंटीजर है तो विदाउट सिंगल कोट, वर्चार को सिंगल कोट में लिखेंगे और आपके इंटीजर वैल्यूज को किसी भी सिंगल कोट या डबल कोट की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास एक कॉलम होता है फीस का, फीस की आप यहां पे आके चीजें दे सकते हैं कि 5000 फीस है। उसके बाद आपको देना है कि सिटी, आप यहां पे बताएंगे कि सिटी कौन से बिलोंग करता है स्टूडेंट, तो मैं इसको कह देता हूं ये हैदराबाद से बिलोंग करता है। ये आपकी क्यूरी बन चुकी है कि हम इंसर्ट करना चाहते हैं डेटा कौन सी टेबल के अंदर, स्टूडेंट इन्फो की टेबल के अंदर, और हम इसके अंदर जो वैल्यूज भेज रहे हैं इन 5 कॉलम की भेज रहे हैं। ये 5 कॉलम है, वैल्यूज कीवर्ड आपका समझ लें, इसे समझ लें एसक्यूएल का कीवर्ड है जो देना लाजमी है। फिर आपको उन नंबर ऑफ कॉलम्स की वैल्यूज उसी तरह देनी है जिस तरह आपने सीक्वेंस ऊपर बताई, कॉलम्स की सीक्वेंस बताई है ना, कि पहले आईडी तो पहले आईडी वैल्यूज में देंगे, फिर नाम है तो आपको बाद में क्या देना है, नाम देना है। सिलेक्ट करेंगे क्यूरी, एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? इसी तरह आपको दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो आप यहां पे आके इसी को कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहता हूं मुझे आईडी अभी नहीं देना या नाम मुझे अभी नहीं देना, मुझे लास्ट में देना है, ऐसे ही है, तो आप क्या करेंगे, नाम वाले कॉलम को यहां नहीं डिफाइन करेंगे, आप कहेंगे मैं सिटी के कॉलम के बाद नाम डिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि वैल्यूज की सीक्वेंस मुझे इस तरह नहीं देनी, तो कॉलम्स की सीक्वेंस को आगे पीछे आप कर सकते हैं, क्योंकि इंसर्ट क्यूरी को लिखने के 2 तरीके, एक तरीका जो मैं अभी बता रहा हूं, इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है। अब आपने इसको बता दिया कि भाई यहां पे एक कॉलम आईडी का है, दूसरा एज का है, तीसरा फीस का है, चौथा सिटी और 5वां नेम, यानी सीक्वेंस का ऑर्डर आपने आगे पीछे कर लिया। टेबल बनी हुई है कि पहले आईडी है फिर नाम है, लेकिन आपने क्या कहा, नाम की वैल्यू हम लास्ट में देंगे, कौन सा क्लियर हो गया। तो मैं यहां पे कॉमा देके अब कोई और रिकॉर्ड आईडी दे दी, नाम अभी नहीं दे रहा, और फिर एज दे दी, क्योंकि यहां पे मैंने बताया कि मैं आईडी दूंगा फिर क्या दूंगा, एज दूंगा। मैं यहां पे आके आईडी कर देता हूं 2, एज कर देते हैं 22, फीस कर देते हैं बच्चे की 5500, उसके बाद ये बच्चा कराची से बिलोंग करता है और यहां पे आके आप उस बच्चे का नाम दे देंगे, कौन सा क्लियर हो गया। मैं इसका नाम कर देता हूं हसान, सेलेक्ट किया और उसके बाद आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर लेंगे। लेकिन
अब मसला क्या है, आपको पता है कि आप सिंगल कोड के अंदर वैल्यूज देंगे क्योंकि हमने पढ़ा था ये वर्चार डेटा टाइप है। कौन सा डेटा टाइप है बेटा? वर्चार। यू हैव टू सेलेक्ट इट अगेन एंड एग्जीक्यूट। तो एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका। अब आप इसको देखना चाहते हैं कि टेबल में कितने रिकॉर्ड सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है बेटा? स्टूडेंट इन्फो, सिलेक्ट एग्जीक्यूट। तो दो रिकॉर्ड शो हो रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखें, आप लोग अगर इसको सिलेक्ट करके मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट पे क्लिक कर लोगे तो अभी ये सारी चीजें ऐड होती रहेंगी जितनी बार एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? या F5 अगर आप 15 बार लगा देते हैं तो 15 रिकॉर्ड ये डुप्लीकेट ऐड हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने टेबल के ऊपर प्राइमरी की या इस तरह की चीजें अप्लाई नहीं की कि आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को रोका जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, एक स्पेसिफिक समझ ले टेबल के अंदर कुछ चीजें इंसर्ट करवा दी, इंसर्ट के एक तरीके के थ्रू। अब आपको इंसर्ट दूसरे तरीके से करना है तो आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट इन्फो। और उसके बाद अब कॉलम बताने की जरूरत नहीं है, कॉलम बताने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज के बाद आपने बताना है सीक्वेंस। अब एक चीज याद रहे, पहले जब आप कॉलम देते थे तो अपनी मर्जी से सीक्वेंस डिफाइन करते थे, सही है? लेकिन ये दूसरा क्यूरी का तरीका है कि आप इंसर्ट करो उसी टेबल के अंदर क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज। अब मैंने यहां पे कोई कॉलम्स की सीक्वेंस नहीं बताई ना, तो इस लिहाज से आपको इस क्यूरी के अंदर जिस सीक्वेंस में आपके नंबर ऑफ कॉलम बने हुए उसी सीक्वेंस में वैल्यूज देनी पड़ेगी, अपनी मर्जी नहीं चला सकते। कौन सा क्लियर है? अब आईडी पहले है तो आईडी पहले देंगे, नाम बाद में है तो नाम आपको बाद में देना है, उसके बाद आपको क्या देना है, एज देनी है तो एज आप यहां पे आके कर देते हैं सपोज 19। उसके अलावा आपने कहा फीस, मैं कर देता हूं 4500। उसके बाद आपने कहा कि भाई सिटी है तो सिटी आपने कह दिया कि ये बिलोंग करते हैं कोटरी से। कौन सा क्लियर हो गया? Select this query executed. One row effective. तो हमारा एक और रो जो है वो इंसर्ट हो चुका, ठीक है बेटा? और उसके बाद अब सिलेक्ट करके देखो कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके, कितने हो चुके बेटा? 3 रिकॉर्ड, सही है? तो इस तरह से आप DML की इंसर्ट कमांड को यूज करते हैं टू इंसर्ट अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड इन SQL सर्वर। चलें जी नेक्स्ट में कुछ और पढ़ते हैं।